छोड़कर कि 2 और tan 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई अंडर रूट 3, यानी कि 1 माइनस, यहाँ पे अगर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दें तो कोई नुकसान है नहीं, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा करके देख लेते हैं, रूट अंडर ये 2 को इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 2, और रूट अंडर 3 नीचे है तो चलिए मल्टीप्लाई 1 से करा देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कराए तो रूट अंडर 3 आ गया, ठीक। लेकिन यही अगर हम यहाँ लिख दें 1 है तो 1, 1 का स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन वही अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दें तो ऐसे 3 से 3 कट जाएगा, क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लिख दें 3, है ना, अब क्या दिक्कत है 1। अब प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लिख देंगे ये एक स्टेप कंप्लीट हुआ, एक स्टेप दूसरा स्टेप यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है क्या, ठीक है ना, यहाँ आएगा 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पे थोड़ा सा लीजिएगा 3 और 1 कैल्शियम कितना होता है बाबू 3 हो जाता है, नहीं यहाँ पे आज नहीं आता, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बार बार स्टेप बदल लेंगे, यानी कि 2 बाई अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है, 3 और 1 कैल्शियम कितना होता है बाबू 3 होता है, तो 3 1 3 और 3 1 3 तो 1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 अंडर रूट, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आएगा तो 2 अंडर रूट 3 बटा में आ जाएगा 2, यानी कि 3 में से 1 गया तो 2 बाई 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके आगे स्टेप करें क्या, देखिए तो यानी कि 2 को ऐसे रहने देंगे, 2 अंडर 3 को ऐसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई 3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मैंने बताया था कि 3 के अंदर, 3 के अंदर रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 दो बार आता है, क्योंकि देखिएगा रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 हो जाता है 9, और 9 निकलता है तो क्या निकलता है 3 बन के निकलता है, या फिर वैसे भी कर लो दो बार आया है ना, तो रूट अंडर 3 को स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या निकलेगा 3 तो निकलेगा ना। इसी तरीके से देखो तो 3 से अगर काट दे तो यहाँ पर रूट अंडर 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया रूट अंडर 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अब आप देख लीजिएगा कि कॉस 60 का वैल्यू रूट अंडर 3 होता है कि किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि रूट अंडर 3 कहाँ कहाँ मिल रहा है, टैन में मिल रहा है और यहाँ पर कॉट में मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है ना। देखिएगा टैन में मिल रहा है और कॉट में मिल रहा है, तो कॉट तो है नहीं कहीं, यानी कि टेन 60 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।